देखिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले अपने बारकोड के बारे में जानेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं बारकोड क्या होता है और किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले हमें ये जानना है, बारकोड एक आइडेंटिटी के लिए यूज़ किया जाता है। आप मॉलों पे जाते हो तो आपने पैंट के पीछे देखा होगा बारकोड लगा होता है। आप फ़ोन खरीदते हो तो उसके अंदर EMI नंबर के अंदर एक बारकोड टाइप का बना होता है। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर किस तरीके से बारकोड बनाया जाता है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ बारकोड बीजी में दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू और दूसरा पैरामीटराइज के थ्रू। कौन से दो तरीके से बनाया जा सकता है? मास्टर कॉन्फ़िगरेशन और पैरामीटराइज। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बीजी के अंदर ऑटोमेटिक या मास्टर कॉन्फ़िगरेशन वाला बारकोड सीखेंगे। ये जो बारकोड है ना, ये ना के बराबर यूज़ किया जाता है, या ये वो लोग यूज़ करते हैं जो सबसे लोअर कैटेगरी के होते हैं या जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, जिनका मेन मोटिव होता है पर्ची निकालना और किसी जगह स्टिकर जैसे लगा देना। दैट्स इट मैटर करता, क्लियर है? इस बारकोड को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर में कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ से मिलेगा मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर? अगर आप लोग बारकोड के फॉर्मेट देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो कई तरीके के फॉर्मेट आते हैं, बहुत से लोग ऐसे बना के रखते हैं, बहुत से लोग स्टाइलिश फॉर्मेट भी रखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये रहे बारकोड के फॉर्मेट, ऐसे ऐसे फॉर्मेट होते हैं तो ऐसे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, क्लियर है? तो हमें क्या करना है, खाली आइटम पे क्लिक कर देना है। वो कहता है भैया मुझे चार चीज़ें चाहिए, फर्स्ट साइज नंबर, सेकंड कलर नंबर, थर्ड पीसीस कितनी है, और फोर्थ आइटम का सेल प्राइस कितना है। उसे कितनी चीज़ चाहिए, चार चीज़। तो हम यहाँ कितनी लिख देंगे, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये जो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसे ना एडिशनल फील्ड भी बोलते हैं। इस टॉपिक को जैसे ही अनेबल करोगे, जब आइटम बनाओगे तो यहाँ पे एक फील्ड अनेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक फील्ड अनेबल हो जाएगी। सबसे पहले हमें आइटम का नाम है क्या चाहिए था, आइटम साइज। जैसे ही करोगे तो यहाँ पर पूछता है, चार टॉपिक हैं। पहला होता है टैक्स, टैक्स मतलब होता है चाहे आप अल्फा लिखो चाहे आप नंबर लिखो। सेकेंड क्या होता है आपका, न्यूमेरिक। थर्ड क्या होता है, डेट। एंड फोर्थ क्या होता है, यस नो। अगर आप कोई 1, 2, 3 लिखना चाहते हैं या कोई नाम लिखना चाहते हैं तो हमेशा उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखिए। अगर आप नंबर लिखना चाहते हैं जैसे 1, 2, 3 तो आप उसे नंबर में लिखिए। लेकिन मैं सजेशन करूंगा, अगर आप नंबर लिखना चाहते हैं तब भी आप टेक्स्ट रखो, और अल्फा लिखना चाहते हो तब भी आप टेक्स्ट रखो, मेरे अकॉर्डिंग, क्लियर है? और अगर डेट का फॉर्मेट हो, डेट। अभी हमने टेक्स्ट रखा तो एक मैसेज मिला जिस पर लिखा है मेंटेन इन मास्टर डाटाबेस। इस टॉपिक का मतलब है जिसका आप रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं उसे बोलते हैं मेंटेन मास्टर डाटाबेस। मैं इसको यस कर लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ साइज वाइज स्टॉक मेंटेन करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, साइज वाइज स्टॉक मेंटेन, क्लियर? इसके बाद मुझे क्या चाहिए था, कलर में मैं स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहता, नो कर दिया। इसके बाद हमें क्या चाहिए था, एक पीस में फीस कितनी है, फिर हमें क्या चाहिए था, सेल प्राइस। हाँ, जिसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है उसको यस करना है। देखो जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा और जब मैं मास्टर पे आके आइटम पर जाऊंगा और कोई एक नई आइटम बनाऊं, जैसे मुझे बनानी है शर्ट स्लैश नैरो स्लैश 786, जैसे ही इंटर मारूंगा वो चारों मैसेज अपने आप आ जाएंगे कि साइज क्या है, कलर क्या है, पीस क्या है उतना। अब देखो साइज लिख रहा हूं तो लिख नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर यस करा था। क्या करा था मैंने, यस। तो मैं F3 करूंगा, एक नया साइज बना, किससे, 32 34 के नाम से। इसे बनाने का फायदा ये होगा कि अगली बार अगर मुझे 32 34 बनाना है तो दोबारा बनाने का कोई फायदा नहीं, मतलब नीड नहीं है, क्योंकि एक बार वो बन गया। इसके बाद कलर, पीस कितनी है, 2000, और सेल प्राइस कितना है, 250।
क्लियर है? जैसे कि इस पे नो कर रखा था, जो भी हमने बनाए आगे भी बनाने पड़ेंगे। हाँ बनाने पड़ेंगे, मतलब जिसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है उसको यस करना है, जिसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है उसको नो करना। टैक्स कैटेगरी डाली, एचएसएन कोड डाला, सेल प्राइस डाला और परचेस, और इसको हमने सेव कर दिया, सेव बन गया। जिसमें हमने यस करा था, अगर मैं उसकी लिस्ट निकालूंगा तो यहाँ देखो एक मैसेज मिलेगा, फिल्टर ऑन आइटम ऑप्शनल फील्ड नन या फिर साइज वाइज। साइज में भी कौन सा? तो वो 32-34 की आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इसका फायदा ये हो गया कि अब आप रिकॉर्ड ना साइज वाइज भी मेंटेन भी कर सकते हो, कलर वाइज मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने कलर के टॉपिक को वहां से नो कर दिया, जिसको यस करा था उसी का स्टॉक हम लोग मेंटेन कर सकते। कोई प्रॉब्लम? ये जैसे ही कर लोगे उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है एड ऑन। हम एड ऑन पर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले लिखा होगा बारकोड प्रिंटिंग अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। आज आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी, बीजी में दो तरह के डोंगल होते हैं, बीजी में दो तरह के होते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग मेंटेन करने हैं तो बीजी का आप अकाउंटिंग डोंगल लोगे, और अगर आपको बीजी के अंदर बारकोड बनाना है तो उसका डोंगल आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। मतलब अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो तो 15,000 और साथ साथ बारकोड का भी लेते हो तो 7,000, टोटल मिला के आपको 22,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, तब आपको बीजी प्लस बारकोड का डोंगल बीजी वाले देंगे। इस पर यस करा और जैसे ही करा तो सबसे पहले लिखा है कन्फिगर बारकोड लेवल। क्या लिखा है? कन्फिगर बारकोड लेवल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले क्या आएगा? एड बारकोड। ठीक है, ऐड फॉर्मेट का मतलब होता है एक नया फॉर्मेट बनाना। जैसे मैंने फॉर्मेट का नाम कुछ भी रख सकता हूं, जैसे नेम ऑफ फॉर्मेट, ये कुछ भी हो सकता है, फॉर्मेट का नेम कुछ भी हो सकता है। इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद क्या लिखा है? एंड देन लास्ट कॉन्फ़िगर फॉर्मेट। जैसे ही लिखा तो सबसे पहले लिखा है बारकोड शीट कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉर्मेट नेम ऑफ फॉर्मेट। ये कह रहा है कि आप किसकी सेटिंग करने जा रहे हैं? नेम ऑफ फॉर्मेट की। मतलब जो बारकोड का नाम हमने डाला है आप उसके अंदर चेंजेस करना चाह रहे हैं। इसके बाद नीचे आए तो कहता है बारकोड क्या रखोगे, बारकोड टाइप क्या होगा। सबसे पहले यहां लिखा है पिक बारकोड वैल्यूज फ्रॉम बिजी डाटा या फिर एक्सेल। कहता है जो बारकोड आप डाटा मेंटेन करना चाहते हो वो एक्सेल से मेंटेन करना चाहते हो या बीजी से, तो मैंने बोला किससे करना चाहता हूँ? बीजी से। उसके बाद पूछा उसने बारकोड टाइप क्या रहेगा, तो मैंने बोला क्या? हमेशा आइटम ओनली। याद रखना जब भी आप मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड बनाते हो वो हमेशा क्या होते हैं? आइटम। इसके बाद आता है सिलेक्ट शीट टाइप। सिलेक्ट शीट टाइप क्या होता है? आपने जैसे उसने जैसे ये देख रहे हैं ये बारकोड का साइज है टू पीस, ये टू पीस बारकोड है, आधा यहां पर है ठीक है, आधा इधर है, ये आपका टू पीस बारकोड है। अगर यही बारकोड A4 शीट पर निकालना हो, किस पर निकालना हो? तो हम यहाँ पर कस्टमाइज किया क्या कर देंगे और यहाँ से जो भी हमारी A4 शीट का साइज होगा वो ले लेंगे। कस्टमाइज का मतलब होता है अपने हिसाब से चेंजेस करना, और प्री डिफाइंड का मतलब होता है जो पहले से ही मौजूद है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिए? कस्टम। और अब उसने मुझसे पूछा सीट सिलेक्ट स्किल मोड ऑफ प्रिंटिंग, यह स्किल क्या है इसकी, ये इंचज में है, मिलीमीटर में है, कैसे है? अगर ये ध्यान से देखो तो किसके अंदर है? ये इंचज में है, इंचज में, तो आप इसे क्या कर दोगे? इंचज। और अगर पेपर छोटे साइज का होता तो किस में आता? मिलीमीटर। तो हम यहाँ क्या कर देते? इंचज। उसके बाद सेट प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, कौन से प्रिंटर से इसका प्रिंटआउट निकालना है, तो इसके लिए एक अलग से प्रिंटआउट आता है या प्रिंटर आता है जिसका नाम होता है TSC।
जिसका नाम बारकोड प्रिंटर ही बोलते हैं, इस पर्पस के लिए होता है। ये वाला क्लियर है, फिलहाल हमारे पीसी के अंदर नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद प्रिंटिंग स्टाइल हमेशा विंडो रहता है, उसके बाद आता है सिलेक्ट पेपर टाइप, कट शीट या कंटिन्यू रोल। सिलेक्ट पेपर टाइप का मतलब क्या होता है? पेपर टाइप का मतलब ये होता है कि अगर आप कट शीट का मतलब होता है कि आप एक पेपर पे कितने निकालना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पर आपको A4 शीट दिखाई, ये आपकी A4 शीट है, क्या ये आपकी A4 शीट, इस पर कितने निकालना चाहते हो, ये होती है कट शीट। कि मैं इसको एक कट, ये क्या कहलाती है, कट शीट। और कंटिन्यू रोल का मतलब होता है जो निकलते जाएं। आपने देखा वो रोल आते हैं बार कोड के, वो जो रोल प्रिंटिंग होते चले जाते हैं, उसे बोलते हैं कंटिन्यू रोल। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, कंटिन्यू रोल। अब बिजी पूछ रहा है नंबर ऑफ लेबल इन वन रो, एक रो पर कितने बार कोड निकालने हैं आपको, एक रो पर। जैसे इसने बोला सर मेरा 2 पीस बार कोड है, एक लाइन में कितने बार कोड निकलेंगे, दो। कितने निकलेंगे, दो, तो हम कितना बोल देंगे। अगर ये बोलते सर ये एक है तो एक क्या कर देते, एक। मतलब इतनी पूरी लाइन में अगर एक होता तो हम वन कर देते, अभी फिलहाल कितना ये दो है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, हम चल सकते हैं आगे, कोई डाउट। जितना भी अगर वन हो तो वन, टू हो तो टू, फोर हो तो फोर। इसके बाद नीचे आओगे तो मिलेगा लेबल हाइट एंड लेबल विड्थ। ये एक्चुअली में इस पेपर की साइज तो मेरे हाथ में अभी है ना, ये इसकी साइज कितने इंच का है, 50 बाय 38 है, ये 38 बाय 50 है। 38 बाय 50 का मतलब होता है 38 हाइट और 50 इसकी विड्थ है। मैंने बोल दिया सर 25 75 का है, 25 ज़्यादा हो जाएगी, 1 इंच हाइट है और 1 इंच विड्थ है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो आधा इंच हाइट है और आपकी 1.5 इंच विड्थ है। क्लियर है, जैसा पेपर का आप साइज को डिफाइन करेंगे उसी पर्पस से या उसी के अकॉर्डिंग वो छोटा या बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, कोई आगे समझ में, जैसा हो। ये आपको बिल्कुल ब्लैंक मिल गया, मैंने इसको सिलेक्ट करा और डिलीट बटन दबा के डिलीट कर दिया। अगर हमें नहीं चाहिए तो हमें क्या करेंगे, ऐड कंट्रोल, जैसे डबल क्लिक करूंगा तो एक नई फील्ड आ जाएगी। याद रखना ये फील्ड इस लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए, जैसे ही बाहर जाएगी वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्लियर है, इसके बाद सबसे पहले आपको क्या रखना है कि आपके जो बार कोड निकले उसके टॉप पर क्या हो। तो मैंने बोला टॉप पर क्या हो, आइटम का नाम हो, क्या नाम हो, आइटम का नेम हो, क्या हो, आइटम का नेम। फिर पूछते हैं प्लेन टेक्स्ट क्या है, सबसे पहले मिलता है बार कोड। अगर इसको किस में कन्वर्ट करना है तो आप इसे किस में कन्वर्ट कर दोगे, ये क्या बन जाएगा आपका। दूसरा क्या होता है आपका, इमेज लगानी है तो इमेज लगा लो, अदर इमेज कहीं से उठा लाओ इमेज, लग रहा है इमेज ही नहीं है इसमें, ये नहीं आ गई। आगे ना इमेज, ठीक है, क्लियर है, तो ये इमेज भी लगा सकते हैं। लास्ट क्या है हमारे पास, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है जो नॉन चेंजेबल हो, जो आपने एक बार लिख दिया वो कभी चेंज ना हो। होता है ना विजिटिंग कार्ड बनता है तो मोबाइल नंबर हमेशा सेम होता है सभी का, चाहे वो 10 बार भी बनवाए विजिटिंग कार्ड हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो प्लेन टेक्स्ट होता है जो कभी चेंज ना हो। बहुत से लिखा नीचे एक लिखा होता है विजिटिंग कार्ड पे, एक बार हमें सेवा का मौका दें, उसका मतलब क्या है, वो फिक्स है, उसके अंदर कोई चेंजेबल नहीं चाहिए। वो सी लिखा होता है, लिखा होता है ना हमारे यहाँ सारा काम तसल्लीपूर्वक किया जाता है, प्लीज़ एक बार हम पे संपर्क करें। क्लियर है, तो प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है नॉन चेंजेबल। या तो आप ये भी लिख सकते हो नॉट फॉर सेल, ये बिकने के लिए नहीं है। इसका मतलब हो गया क्या, ये हर बार कोड पे आएगा, कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है, तो ये 3 चीज़ें हमने सीख ली, प्लेन टेक्स्ट, बार कोड और इमेज का।
अब हमारा सबसे मेन काम है डाटा फील्ड को समझना। याद रखना, अगर जिसने ये समझ ली वो बारकोड बनाने में एक्सपर्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा और सबसे मेन फंडा यहीं अटकता है। ये जो कंपनी नेम दिख रहे हो ना, या जिसके नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब ये चेंजेबल फील्ड है। क्या ये? अगर इस कंपनी का नाम अभी एसएस सॉफ्टवेयर है और जैसे ही मैं कंपनी का नाम क्या करूंगा, एके सॉफ्टवेयर, तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा ये? ये किससे लिंक है? आपकी कंपनी के नेम से लिंक, क्योंकि इसके नीचे जो अंडरलाइन है इसका मतलब ये डायनेमिक है। जैसे कंपनी का नाम चेंज होगा वैसे ही अपने आप को क्या कर लेगा? चेंज। इसलिए इसे डाटा फील्ड बोलते हैं। ये हर बार चेंज हो जाएगा, खुद ही चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हमें हमें क्या चाहिए? आइटम का नेम चाहिए। तो हमने क्या रख दिया? आइटम का नेम, क्योंकि अगर मैं बारकोड आइटम का निकालूंगा तो आइटम तो हर बार चेंज होगी ना। तो इसने बोला जिस आइटम का निकालूं उस आइटम का नाम आप यहाँ पर क्या कर देना, डाल देना। उसके बाद इसको सेंटर में रखना है तो सेंटर कर दो, लेफ्ट करना है लेफ्ट कर दो, राइट करना है राइट कर दो, और सेंटर करना है सेंटर कर दो। क्लियर है? इसको किस कलर में देखना चाहते हो, पसंद करते हो, वो कलर डाल दो। ठीक है, थोमा मतलब होता है इटैलिक, गाढ़े वर्ड में देखना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आइटम का नेम आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए? इसके बाद हमें चाहिए साइज। क्या चाहिए हमें? अब साइज चाहिए। अच्छा बताओ, साइज कहाँ से पिक करेगा? साइज सर जो हमने आइटम बनाई थी ना उस आइटम के अंदर से पिक करेगा। सर ये आइटम जो आपने बनाई है शर्ट नेरो, इसके जैसे एंटर मारेंगे ये वाला साइज पिक करें। क्या करें? साइज पिक करें। तो इसको बोलते क्या है, कहलाता क्या है ये? इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएंगे तो आप डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटर। फिर हम लोग कहाँ गए थे? और फिर हम कहाँ गए थे? और इसे अगर ध्यान से पढ़ोगे इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड। क्या कहलाती है हमारी? तो कितनी ऑप्शनल फील्ड है? तो इसे बोलेंगे ऑप्शनल फील्ड 1, ऑप्शनल फील्ड 2, ऑप्शनल फील्ड 3, ऑप्शनल फील्ड 4। क्लियर है? कितनी हो गई? तो हम यहां से वही ले लेंगे ऑप्शनल फील्ड 1। ये क्या मिल गई? आइटम ओटीपी फील्ड। ओटीपी का मतलब होता है ऑप्शनल फील्ड। मैंने 1 क्यों लिया? क्योंकि वहां पर क्या थी? 1 थी, और 1 पे क्या था? साइज। यहां आगे कैप्शन। कैप्शन जानते हो क्या होता? जो किसी चीज की हेडिंग को बताता है। जब आप लेटर लिखते थे इंग्लिश में तो आप हेडिंग लिखते थे ना कि लेटर बिलोंग ऑफ टू हॉलीडे, एप्लीकेशन ऑफ फीवर, या जो भी लिखते थे हेडिंग होती थी ना, कैप्शन होता था मैं जिसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूं। हम यहाँ कैप्शन लिखे, हमने वहां क्या लिखा था पहले में? साइज। तो कैप्शन डाल दें। कैप्शन समझ में आ रहा? कैप्शन में किसको बोल रहा हूं? कैप्शन मतलब होता है हेडिंग। जो साइज नंबर प्रिंट तो होके हमारे पास आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या है? मैं अगर डायरेक्ट इसको हटा के प्रिंट करवाऊं तो खाली क्या दिखाएगा? 3240। क्या दिखाएगा रियान? 3240। ये नहीं बताएगा साइज 3240। इसलिए हम लोग कैप्शन लिखते हैं ताकि वो साइज इज इक्वल टू 32 साइज। इसको लेफ्ट कर दो ताकि बिल्कुल यहां से आ जाए। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या करना है? ओटीपी दूसरी लेनी है। अब बताओ हमें तीनों बनानी है, 1 2 3 बनानी है ना। इसको नीचे ड्रैग कर दो। ओहो भाल जा रहा है, तो डबल इसको छोटा कर लो हल्का सा, इसको डबल क्लिक करो, एक और ले आओ। अब हमें क्या चाहिए? ओटीपी टू। डाटा फील्ड में क्या लिखेंगे? आइटम। और क्या लिखेंगे?
क्लियर। फिर हमें क्या लिखना है, पीस कितनी है। अब कितनी लेंगे, तीन। और तीसरी में क्या था हमारा, सेंटर से क्या करेंगे, लेफ्ट। क्लियर है, आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक और क्या लिख देंगे इसको, आइटम ओटीपी फील्ड फोर और शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं। क्लियर है। इसके बाद डबल क्लिक करो, हम नीचे क्या लिया है, बार कोड। क्लियर है, इसको हमने क्या कर दिया, सेव सेव और क्विट। नीचे कहाँ जाऊंगा, प्रिंट बार कोड फ्रॉम आइटम मास्टर, नेम ऑफ फॉर्मेट, जिस नाम का फॉर्मेट बनाया था ना वो शो हो गया। सभी आइटमों का निकालना है, किसी एक का मैंने क्या करा, वन आइटम। और इस पर क्या डाल दिया हम लोगों ने, आइटम का नेम। और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ लेवल स्किप, कितने छोड़ के निकालना चाहते हो, कितने। जैसे ये टू पीस बार कोड है, कितना ये टू पीस बार कोड, तो मैं कहता हूँ पहले को छोड़ दो, दूसरे से निकालो। स्किप मतलब होता है छोड़ना, तो मैंने कहा एक भी छोड़ो मत। और इसका प्रीव्यू देखो, इसका प्रीव्यू आ गया, आइटम का नेम अपने आप आ गया, आइटम का साइज अपने आप उठ के आ गया, आइटम की पीस अपने आप उठ के आ गई, आइटम का कलर अपने आप उठ के आ गया, आइटम का, इसे कहते हैं बारकोड। क्या कहते हैं इसको, हम बारकोड कहते हैं। समझ में आ गया, ये आपको हमेशा याद रखना है। एक चीज और अपने मन में बिल्कुल फिक्स कर लो कि सबसे पहले हमें मास्टर कॉन्फ़िगरेशन एनेबल करनी है, फिर कॉन्फ़िगरेशन पे जाके एक फॉर्मेट को रेडी करना है, और देन इसके बाद यहाँ जाके हमें ये करना है। जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो नॉट चेंजेबल होता है, मतलब जैसा लिख दोगे ना वैसा ही उठ के आएगा। और डाटा फील्ड क्या होता है, वो वहाँ से आइटम के अंदर से पिक करता है, जैसे आइटम का नाम चेंज हुआ वैसे अपने आप आ जाती है। क्लियर है, इसे बोलते हैं मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड। ये हमारा पहला और सबसे सिंपल बारकोड होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर जैसे ही मैं परचेज का बिल सेव करूं ऑटोमेटिक क्या आ जाए, बारकोड आ जाए। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में परचेज के अंदर जाकर हम इस टॉपिक को अनेबल कर लेंगे। और यहां से प्रिंट आइटम बारकोड आफ्टर सेविंग, इसको यस कर लेंगे और सेव कर लेंगे। क्लियर है। अब क्या है कि जैसे ही कोई आइटम का बिल आप परचेज का सेव करोगे, वो सबसे पहले क्या पूछेगा आपसे, जैसे ही आप इसको सेव करोगे सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, वो प्रिंट आइटम बार को, और उसी तरीके से वो प्रिंट होके आ जाएगा। कितनी कॉपी निकालनी है सर, मैंने सभी की एक कॉपी निकाली, टोटल कितनी कॉपी निकलेंगी, 10, क्योंकि क्वांटिटी कितनी है, 10, और हर आइटम की क्वांटिटी का रेट अलग हो जाएगा। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट बार कोड निकाल सकते हैं। क्लियर, तो कितने बार कोड आ गए, 10 आ गए। सर एक पर एक ही क्यों आ रहा है, एक पर दो क्यों नहीं आ रहे। सर एक पर दो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने एड ऑन के अंदर जाकर जो फॉर्मेट डिज़ाइन करा उसके अंदर आपने स्पेशली बोल दिया कि आपको कितने करने हैं, एक। आप यहाँ बोल भी सकते हो कितने निकलने एक बार में, तीन। तो एक बार में कितने निकलेंगे आपके, तीन। अब जो भी बिल वो परचेज का सेव करेगा उस बिल में कितने निकालेगा वो, आपने कहा सर पहला छोड़ क्या है, क्या कर क्या है, तो कितना सर कितने छोड़ क्या है, सर कितने छोड़ क्या है, तो क्या आया, ब्लैंक। क्लियर है, इसे बोलते हैं मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड।
और कल हम सीखेंगे पैरामीटराइज बारकोड किसे कहते हैं। क्लियर है? अभी इसके लिए आप एक छोटा सा बारकोड बना लो जो मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है?